हेलो दोस्तों, नमस्कार, सभी का स्वागत करते हुए और एक नया वीडियो में। आज जो वीडियो आपके पास पेश कर रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत सारे यूट्यूबर बना दिया है, लेकिन मैं कुछ बहुत दिन सोच रहा था ऐसे वीडियो बनाना है, लेकिन मैं कुछ दिन वो यूट्यूब का ऊपर बहुत सारा वीडियो बना रहा था, जिस वजह से ये वीडियो आपके पास भेजने के लिए बहुत ही लेट हो गया। तो मेरे को अगर सुनते हो, पहली बार सुन रहे हैं, तो सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है सुब्रत और सभी का स्वागत करता हूँ माउंटीज में। तो चलिए आज का जान लेते हैं जो कौन सा वीडियो मैं आपके पास लेके आया हूँ। और उससे पहले आपको बोलना चाहता हूँ, अगर मेरा चैनल में नया है तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि ऐसे ही यूट्यूब में सुनते जा रहे हैं जो टॉम टॉड बहुत सारा नाम में क्या करता है, आपको नया नया कॉमेंट आता है। तो बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं जो आपका हो सकता है उस कॉमेंट से आपका स्कैप हैक हो सकते हैं। ये सारे चीज आपको मैं आज लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। तो बशर्ते क्या करना है, वीडियो का आपको लास्ट तक देखना है, और वीडियो के अंत में आपको एक बहुत ही जबरदस्त सेटिंग बताऊंगा जो सारे चीज आप रोक सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा आपका पूरा कॉपीराइट फ्री रहेगा, तो आप अपना चाहे तो अपना यूट्यूब चैनल में इसको भेज सकते हैं, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ जो अपना अपना सब्सक्राइबर को आप अलर्ट कर दीजिए, जैसे कि वो भी इस हद से बांध सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं जो क्या क्या टिप्स आपको देने वाला हूँ। तो पहला, जो जब भी कोई यूट्यूबर नया नया यूट्यूबर होता है, जैसे कोई वीडियो अपलोड करता है, जैसे कि वो जो लोग है ना उसको किसको टारगेट करता है, जिनका 1 लाख से सब्सक्राइबर कम है उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा कमेंट करता है। ठीक है, वो कमेंट कैसे करता है, जैसे ही आप एक वीडियो अपलोड करते हैं, अपलोड करने का समय तुरंत एक कमेंट आ जाता है, ऐसा कमेंट आ जाता है वेरी नाइस कंटेंट या डिजायर प्योर सब्सक्राइबर, ऐसे ऐसे बहुत सारे इंग्लिश में कमेंट कर देता है। आपको भी लगता है कि यार चलो अच्छा कमेंट कर दिया, आपको भी लगता है। तो आप क्या करते हैं, ऐसे ही आपको एक वीडियो में करते हैं, दूसरा वीडियो में करते हैं, तीसरा वीडियो में करते हैं, तो आपको मन में लगता है यार कौन है बंदा। तो आप क्या करते हैं, उसके जाते हैं, उसके चैनल में जाते हैं, जाने के बाद देख सकते हैं यार इसको तो बहुत सब्सक्राइब है, तो बहुत बड़ा यूट्यूबर है, वो जाके क्या करता है, हम लोग सब्सक्राइब कर देते हैं। ये मैं भी किया था, वो मेरा गलती मैं बोल रहा हूँ, जो जैसे मेरा देखा हूँ 3-4 वीडियो में जैसे कमेंट कर रहा था लगातार, तो देखा वो देखने के बाद उसके मन में लगा चलो इसके चैनल में घूम के आ जाता है, वो जाने के बाद देखा उसको सब्सक्राइब बहुत ज्यादा है, 3-4 वीडियो है ऐसे। ठीक है, वो मैं ही सब्सक्राइब कर दिया हूँ। वो कुछ दिन बाद आपको देखा मुझे और कमेंट नहीं कर रहा है, जैसे मैं सब्सक्राइब कर दिया उसके बाद उसका कमेंट नहीं आता है, ऐसा जिसका ध्यान रखना। जैसे आप कोई भी अगर आपको नया नया वो नाम से आपको कमेंट आता है, तो कमेंट आने के बाद आप जब भी उसको सब्सक्राइब करते हैं या उसका वीडियो देख लेते हैं, उनका 2 मकसद होता है, या सब्सक्राइब करना या तो व्यूज को बढ़ाना। ठीक है, वो हो सकता है, एक कोई आदमी नहीं है, एक बॉट है। ठीक है, एक कंप्यूटर के या कोई मशीन के द्वारा से आपको चैनल में चला जाता है, जो ही नया यूट्यूबर आता है या जो जो सब्सक्राइब, तो ऑटोमेटिक कमेंट कर देता है, और आप जब उस कमेंट का कोई रिप्लाई करते हो रिप्लाई नहीं करता है। ठीक है, तो आपको अभी क्या करना है, आपको चूज करना है जो क्या है, स्पैम है क्या नहीं है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं वीडियो ना देखते हुए ओके कमेंट कर देते हैं, स्पैम में चला जाता है, लेकिन इन लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। इन लोगों वीडियो नहीं देखता, कमेंट कर देता, लेकिन इनका कमेंट स्पैम में नहीं जाता, ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं सारे चीज आपको मोबाइल में देखा रहा हूँ, जो कौन सा चैनल है जो आपको अभी क्या कर रहा है, आपको इस नाम से देखा रहा है। मैं 2-3 चैनल आपको देखाऊंगा, वो जैसे कि मान लो अभी अभी मेरा एक कॉमेंट आ रहा है, आज ही कल ही आया था, जो 14 ऐसे बोल के नाम है, 14 ऐसे इंग्लिश नाम है, वैसे लाविट लाविडिट ऐसे ऐसे 2-3 कमेंट कर रहे थे, जैसे उसको मैं रिप्लाई नहीं दिया, जैसे उसका चैनल में मैं विजिट किया था, लेकिन मैं देखा हूँ वो जैसे सब्सक्राइब गेन करना नहीं है, उसका व्यूज गेन करना ज्यादा है, मैं उसका वीडियो नहीं देखा, उसके बाद वो मेरे को कमेंट भी नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसा चीज है, ऐसे बहुत सारा है, 48 ऐसे टीम है, और टीम पहले से मेरे को कमेंट कर रहा था, उसके मैं सब्सक्राइब भी किया था। ठीक है, लेकिन उसको मैं फिर जाके स्पैम डाल के उनका सब्सक्राइब भी काट दिया, सारी चीज आप मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहा है। ठीक है, ये चैनल है, वो जैसे आपको इस चैनल ऐसे आएगा तो आपको क्या करना है, मैं आपको सारी चीज बोलने वाला हूँ। चैनल कैसे हैक होता है, इनसे आपको एक चीज ध्यान में रखना है, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ओनली फॉर कमेंट करते हैं, कमेंट के थ्रू से ये क्या करते हैं, इसका व्यूज बढ़ाते हैं या सब्सक्राइब बढ़ाते हैं। अभी इन लोग बहुत फायदेमंद हो गया, क्या करते हैं ना, इसको सब्सक्राइब को हाइड कर देते हैं, उन लोगों को पता चल गया जो बहुत सारे यूट्यूबर उनका खिलाफ वीडियो बना रहा है, तो क्या करते हैं ना, उसका सब्सक्राइब को हाइड कर दिया। ठीक है, वो क्या करते हैं ना, उसका अभी सब्सक्राइब हाइड करते हैं, ओनली फॉर व्यूज देखा जाता है, तो ऐसा उन लोगों को पता चल गया। वो क्या करते हैं, अरे एक ही आदमी अलग अलग नाम से क्या करता है ना, वो क्रिएट करते हैं यूट्यूब चैनल, वो चैनल अगर हैक हो गया उसका बंद कर दे यूट्यूब, तो क्या करते है? दूसरा क्रिएट कर लेते हैं। ऐसे भी बंगाली यूट्यूबर बहुत सारे हैं, ठीक है, इंडिया का बहुत सारे यूट्यूबर हैं, जैसे देख रहे हैं वो भी फैला रहा है, तो वो उन लोग भी कर रहा है, ऐसे ऐसे नहीं बाहर का आदमी कर रहा है, रशियन आदमी या अफ्रीकन आदमी, तो इंडियन लोग भी कर रहे हैं, उसको देख पा रहे, जो लॉकडाउन की वजह से उन लोग सभी घर में बैठे हैं, सभी यूट्यूब यूज कर रहे हैं, तो मेरा अभी चैनल ग्रो हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो आप ऐसे नहीं करना है,
क्योंकि ये स्पैम है। अगर आपका नंबर कोई स्पैम कर देगा तो आपको ये चैनल बंद हो जाएगा। तो अभी सारी चीजें आपको दिखाने वाला हूँ स्क्रीन में, जो कैसे अपना को कमेंट्स को स्पैम में डालना है और कैसे स्पैम से हाथ से रुकना है। ठीक है, वो कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, ठीक है, वो टीस्टर शाहरुख का, वो बोल रहे थे जो उसका एक दोस्त है जो नॉमन भाई, उसका टेक्निकल चैनल है, तो उसका क्या हो गया ना, चैनल हैक हो गया। चैनल हैक हो गया मतलब यूट्यूब से बंद कर दिया गया। वो किस लिए बंद कर दिया, क्योंकि ऐसे होता है जो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं आपका वीडियो में, तो कमेंट करने से क्या होता है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती कर देता है, उल्टा सीधा लिंक डाल देता है, जैसे कि पोनो साइट या एक्स साइट का 18+ का क्या लिंक डाल देता है। और डालने के बाद क्या करते हैं, यूट्यूब का तो पता नहीं, यूट्यूब तो सारे चीज को टैग करता है, वो तो पूरा चीज को एनालिटिक करता है ना, एनालिटिक करने से जो लिंक दिया था कोई आदमी, वो लिंक को भी ढूंढ लिया, वो देखा जो दूसरा है उस वीडियो के साथ मैच नहीं है, वो कुछ अलग ही है वीडियो, तो क्या करते उसके चैनल को बंद कर दिया। तो ये सारी चीज को आपको रुकना है, और रुकने के लिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, तो मैं बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट चीज बोलने वाला हूँ, तो बसरते वीडियो का लास्ट तक देखिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो क्रोम ब्राउजर में जाना है, वो सारी चीज मैं मोबाइल स्क्रीन में शो कर रहा हूँ, क्रोम ब्राउजर में जाना है। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद अपना क्रिएटर स्टूडियो को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं जो क्रिएटर स्टूडियो वीडियो मैनेजर है, वीडियो मैनेजर में क्लिक करना है। वो वीडियो मैनेजर में क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा जो कम्युनिटी बोल के, उस कम्युनिटी में आपको टैप करना है। वो जैसे कम्युनिटी को टैप कर देंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सब्सक्राइबर कमेंट आ जाएगा, तो कमेंट पे क्लिक कर देना। वो जैसे आप कमेंट में क्लिक कर देते हैं, कमेंट में क्लिक करने के बाद देख पा रहे हैं आपको 3-4 ऑप्शन आ रहा है, वो लाइक स्पैम हाइड व्यू ऐसे ऑप्शन आ रहा है, जो आपको स्पैम में कौन सा भी एसएमएस है वो भी देख, कमेंट है वो भी देख सकता है। स्पैम में क्लिक करेंगे तो मेरा देख सकता है अभी 2 कमेंट स्पैम में डाला हुआ है, या यूट्यूब डाल दिया, क्या कि उन लोगों को वीडियो नहीं देखा, वो ऐसे कमेंट कर दिया इसलिए स्पैम में आ गया। ठीक है, तो ऑटोमेटिक स्पैम में आ जाता है, उसे क्या करना, आप रिपोर्ट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, सारी चीज में वर्सिंग में दिखा रहा हूँ। ये तो चला गया, तो ये जो है जो आपको तुरंत ही एसएमएस आ जाता है, ऐसे कमेंट कर देता है, उसका आपको चेक करना है, ये स्पैम तो नहीं है, लेकिन इन लोगों का स्पैम में नहीं जाता, तो आपको क्या करना, इसको स्पैम में डाल देना है। ठीक है, स्पैम में कैसे प्रकार से डाले, और जो भी आपको कमेंट किया, जैसे कि कुछ दिन से 14 को मैं अगर स्पैम में डालता हूं तो उसको क्लिक करना है, क्लिक करके स्पैम रिपोर्ट कर देना। ठीक है, तो चलिए अभी आ गया, तो उसको कैसे सेटिंग करें जो हम इससे बांध सकते हैं, तो आपको क्या करना, इसके नीचे एक सेटिंग मिलता है, ठीक है, कम्युनिटी सेटिंग या डिफॉल्ट सेटिंग, तो सेट करना है। सेट करने के लिए आपको बहुत सारा वर्ड लिखने का जरूरत होता है, जैसे कि आप जो लागते हैं, जो आपको ये अगर कोई डाले आपको कमेंट में तो ऑटोमेटिक वो स्पैम में चला जाएगा। ठीक है, जैसे मेरा देख सकते हैं, जैसे सब कुछ साफ ऐसे कुछ लिख दिया हूं, तो आपको भी लिख के सेव कर देना। जैसे कोई इस प्रकार कोई डाले तो आपको ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा ना, आपका चैनल में जो ही कोई उसी प्रकार वर्ड देके अगर कमेंट करेगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो स्पैम में चला गया जाएगा, आपको यूट्यूब चैनल को का भी नहीं। ये सारी चीज अगर आप कर लेंगे तो जितना सारा वर्ड आप लिखे हैं उसी जगह से, उसी वर्ड से कोई अगर आपको चैनल में कमेंट करते हो तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, स्पैम में चला जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और साथ ही साथ मैं आकाश भाई का एक वीडियो देख रहा था, जो टेक्निकल आकाश, वो भी बोल रहे थे ऐसे कोई एक लिंक आया था ईमेल में, तो ईमेल के आने के बाद ऐसे लग रहे थे स्पॉन्सरशिप का लेके, वो भी उस जगह में स्पैम था। तो इसी प्रकार आपको कोई ईमेल आता है स्पॉन्सरशिप का, सारे चीज का आपको जांचाई कर लेना, कोई भी लिंक को आपको क्लिक नहीं करना, अगर आपको लग रहा है जो क्लिक करना तो उस लिंक को कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद ऐसा मोबाइल लीजिए जिसमें कोई लॉग इन नहीं है, कोई पासवर्ड नहीं है, ऐसे फ्रेश मोबाइल है जिसमें कुछ ईमेल वगैरह देकर लॉग इन नहीं है, तो उसमें आप उस लिंक को कॉपी करके पेस्ट करके देख सकते हैं, नहीं तो आपको हो सकते बहुत बड़ी लक्षण शायद होश। उम्मीद करता हूँ जो वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कर देना, और साथ ही साथ दोस्तों का शेयर कर देना, और अपना अपना चैनल में वीडियो को डाल देना, पूरा कॉपीराइट फ्री रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो को, और तब अगले बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।